सभी विवेकशील जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश के तत्वावधान में AICTE और UHV दल के सम्मिलित प्रयास से दिनांक 26 मई से 30 मई 2021 के बीच आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यशाला, जिसका शीर्षक है आनंद सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के आधार पर, इसमें आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आनंद स्वयं का लक्ष्य है, आनंद स्वजनों के लिए शुभाशीष है और आनंद सर्वजन हेतु शुभकामना भी है। आनंद मात्र एक शब्द नहीं, वरन वास्तविकता है, जिसे समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, जिया जा सकता है। किंतु वैश्विक महामारी COVID-19 से जूझते मानव को इन विषम परिस्थितियों में आनंद एक दिवा स्वप्न या कल्पना मात्र जैसा लगने लगा है। वैचारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, न्याय, व्यवस्था आदि को लेकर तमाम हलचल और उठापटक के मध्य ऐसे मार्गदर्शन की नितांत आवश्यकता है जो हमारी सहज स्वाभाविक आनंद की अभिलाषा को मूर्त रूप देने में सहयोगी हो। AICTE जैसे उच्च शैक्षणिक परिषदों ने जहां इस ओर राष्ट्रव्यापी प्रयास आरंभ किए हैं और शिक्षण संस्थानों और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण हेतु प्रयासरत शिक्षक विद्यार्थियों तक आनंद की वास्तविकता को पहुंचाने का सघन और प्रशंसनीय प्रयास किया है, वहीं मध्य प्रदेश के अध्यात्म विभाग के अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान की स्थापना और सफल परिचालन भी बराबर से श्लाघनीय है। राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश के अधिकारीगण और 50,000 से भी अधिक स्वयंसेवक आनंदकों के समूह ने आनंदित होकर आनंदित करने की निष्ठापूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकारा है। इसी निष्ठा और लगन के चलते आज आप लगभग 50 चयनित लोग एक गहन चर्चा और संवाद में प्रतिभाग हेतु एकत्रित हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है आनंद को समझने हेतु प्रस्तावों पर मंथन, मनन, चिंतन और अंततः कुछ आधारभूत महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रतिपादन। अब उद्घाटन सत्र को प्रारंभ करते हुए, जिसका एक सीक्वेंस, एक क्रम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं राज्य आनंद संस्थान के सलाहकार श्री सत्य प्रकाश जी आर्य और निदेशक श्रीमान प्रवीण कुमार जी गंगरावे जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप सम्मानित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। श्री सत्य प्रकाश आर्य जी, आपका हृदय से स्वागत है। सबको नमस्ते। सबसे पहले मैं AICTE और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के साथियों के लिए इस कार्यशाला की रूपरेखा बनाई और साथ में इसको संचालित करने की सहज जिम्मेदारी ली। हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित कार्यशाला है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी राज्य आनंद संस्थान से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और हमारे सहयोगी हैं, वो सब लोग हमने कोशिश की है कि इस कार्यशाला का लाभ ले पाए। अभी इस उद्घाटन सत्र में हमारी विभाग की माननीय मंत्री उषा ठाकुर जी जुड़ने वाली हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। आपने विस्तृत परिचय सबका दे दिया है, तो राज्य आनंद संस्थान की तरफ से डॉक्टर रजनीश अरोरा जी, जो NCCIP के चेयरमैन हैं, डॉक्टर SG चारण जी चेयरमैन NCUHV, प्रोफेसर सुनील कुमार समानी जी जो हमारे मध्य प्रदेश के ही, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हम आसानी से इनसे संपर्क करते रहेंगे, प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी जो चेयरमैन हैं AICTE के,
सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं और हमें सबसे अच्छा ही लग रहा है कि आपने लगभग पूरे देश से बहुत सारे लोगों को जोड़ रखा है और हम लोग भाग्यशाली हैं कि इतने सारे लोग मध्य प्रदेश के साथियों की समझ विकसित करने में और इस में मदद करेंगे। राज्य आनंद संस्थान के सीईओ श्री अखिलेश अर्गल जी, डायरेक्टर गण श्री इंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रवीण गंगराड़े जी सहित में सभी अपने आनंदक साथियों का और जिलों में हमारे जो आनंदम सहयोगी इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं सबका स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि अगले 5 दिनों में जो कुछ भी हम समझेंगे वो हमारे जीवन को और हमारे शरीर को दोनों के अंतर को समझने में मदद करेगा। साथ ही हम अपने जो प्रसन्नता है, हमारा आनंद है, उसको सही सही रूप में पहचान पाएंगे। तो आप सबका स्वागत है। श्री गंगराडे जी अब थोड़ी और बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रवीण गंगराडे बोल रहा हूँ। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में भी इंट्रोडक्शन सभी साथी लोग हमारे हैं तो उनके बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने 15 मई को एक वेबिनार का आयोजित किया था यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टीम और AICTC के सहयोग से करीब 1.5 घंटे का। इस विषय पे हमारे आदरणीय डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी ने विस्तार से इस विषय पे बात की थी और उसके बाद ये तय हुआ था कि इस विषय को कैसे आगे बढ़ाया जाए या इस पे राज्य आनंद संस्थान कैसे काम करे, तो इसको किस तरीके से हम आप लोगों के साथ शेयर करें और फिर इस पे चर्चा करके इसको प्रदेश में लागू किया जा सके। तो उसी क्रम में जैसा तय हुआ था 15 मई को, तो उसके मुझे लगता है केवल 10 दिन में हमने ये तय करके कार्यक्रम फिर से 5 दिन का रख लिया है। तो मतलब ये हम भी, हमारी भी उत्सुकता है और हम भी ये जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं कि किस ढंग से या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का जो ये कार्यक्रम है वो प्रदेश में जब हम लोग इस पर बात करेंगे तो कैसे लागू किया जा सकता है। AICTC की पूरी टीम अपेक्स बॉडी हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है तो मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ी बात है कि यानी ये शो करता है कि उनका UST यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे कितना कमिटमेंट है और कितना विश्वास है कि इससे लोगों में परिवर्तन आ सकता है। उनके सहयोग से बिल्कुल AICTC के कारण आज पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में देश के ये कार्यक्रम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एक विषय के रूप में सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाने लगा है, तो इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। हमारे बीच में UHV की टीम है जो जिसको कहते हैं कि भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य मंगल हो, इस मंगल कामना के साथ UHV को एक माध्यम मान के व्यक्ति में, व्यक्ति से परिवार में, परिवार से समाज में, समाज से देश में और देश से पूरे विश्व में कैसे खुशहाली का वातावरण बन सकता है, इसके लिए इस संकल्प के साथ अपना समर्पण के साथ ये पूरी टीम काम कर रही है और हम लोगों को सहयोग दे रही है। इसके लिए हम उनके भी बहुत आभारी हैं और उनका बहुत बहुत पूरी टीम का, आदरणीय बागड़िया साहब का, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। मैं सब जब चर्चा हो रही थी तो ये कहा गया था कि जब AICTC ने ये कार्यक्रम को लिया और ये शुरू करना चाहते थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो अपेक्स बॉडी ने और AICTC की पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को पहले समझा फिर इस पे काम किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से भी राज्य आनंद संस्थान के सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे CEO साहब भी इसमें हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, हमारे डायरेक्टर साथी IP सिंह साहब, पूरी टीम, इवन IT टीम हमारे साथ है। इनिशिएटिव ऑफ चेंज के जो हमारी टीम है, प्रशिक्षक है, वो भी हमारे साथ है और जिलों में काम कर रहे हमारे सभी मित्र साथी गण इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो हम लोग भी जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सभी टीम इससे पहले गुजर जाना चाहती है और हम सभी लोग इसमें 5 दिन इसमें चर्चा करेंगे। हम सभी लोग उपस्थित हैं। और एक बात और मैं ध्यान में ला देना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी गण जो जिलों में काम कर रहे हैं, ये भी पूरे निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं और
बड़ा मतलब ये इन्होंने इसको मोटो बनाया है कि मैं आनंद में, दुनिया आनंद में, तो कैसे स्वयं भी आनंद में रहें और इस आनंद का कैसे प्रसार कर सकते हैं। तो ये बड़ी स्ट्रांग टीम हमारे साथ है और जब इस विषय पे विस्तार से बात होगी तो हमारे साथी गण भी उसमें इंटरेक्ट करेंगे। इस आशा के साथ मैं बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार गंगराधे सर और सत्य प्रकाश सर, आप लोगों के सुंदर स्वागत प्रस्तुति के लिए और UHV टीम की, है ना, प्रारंभ में ही उस पर विश्वास रखने और उसकी प्रशंसा हेतु हृदय से आभार। अध्यक्ष NCC IP प्रोफेसर श्री रजनीश अरोरा जी, जिनका लंबा कार्यकाल मूल्य शिक्षा हेतु समर्पित रहा और जिनके दिशा निर्देश में देश स्तर पर विभिन्न योजनाएं निर्मित और निर्दिष्ट हो रही हैं, अब आपसे अनुग्रह है कि सार्वभौमिक मानव मूल्यों और इस कार्यशाला के बारे में सभा को कृपया परिचित कराते हुए हमें शुभाशीष दें। रजनीश सर, आपका स्वागत है। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना जी, मेरी आवाज आ रही थी? जी बिल्कुल बढ़िया आ रही है सर। आज की इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में उपस्थित सभी महानुभाव, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि 15 मई को ही पहली एक इंटरेक्शन UHV टीम की ओर से हुई थी आनंद के विषय में, और उस दिन जैसा सुझाव हम लोगों की ओर से रहा तो तुरंत मंत्री महोदया ने उसे स्वीकार किया और उसके बाद पूरी जो टीम है आनंद राज्य आनंद संस्थान की, उन्होंने उसे क्रियान्वित करने की योजना बनाई। तो आज उसी योजना की शुरुआत जो है हम लोग उद्घाटन सत्र में कर रहे हैं। मैं वास्तव में मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि इस प्रकार का एक अध्यात्म मंत्रालय पूरी मिनिस्ट्री मध्य प्रदेश शासन में बनी हुई है और उसके द्वारा ये आनंद विभाग की परिकल्पना हुई है और 50,000 से अधिक सदस्यों की आनंदक की टीम जो बिना किसी मानधन के और स्वयं आनंदमय होते हुए और सबको आनंदित करने के लक्ष्य को लेकर के कार्यरत हैं। तो ये जब इस कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मुझे भी पहली बार पता लगा और तो मन के अंदर एक विश्वास का भाव बना कि जो ये आज पूरे विश्व की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों को एकीकृत करने की एक सामयिक आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ पूरक होकर के चलने की एक आवश्यकता है। हमें कई बार ध्यान में आता था कि भी हम हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, जब विद्यार्थी 4 वर्ष की अपनी पढ़ाई पूरी करके और फिर वो चाहते थे कि जो कुछ हमने समझा है इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के करिकुलम में उसके अनुसार हम अपना जीवन जी सकें, तो समाज का वातावरण वैसा चाहिए और समाज का वातावरण वैसा बनाने के लिए उसके लिए जिस प्रकार का ग्राउंड वर्क होना आवश्यक है तो वो अपने आसपास नहीं दिखाई देता है। तो मैं जब मध्य प्रदेश के इस राज्य आनंद संस्थान को देखता हूँ तो ये हमारी हायर एजुकेशन की उस आवश्यकता को पूर्ति करता है कि समाज में उस वातावरण को बनाना, समाज में अधिक से अधिक लोग इस आनंद के कार्य की आवश्यकता को समझें और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें। और ये जो कार्य राज्य आनंद संस्थान कर रहा है, आपकी पूरी टीम वास्तव में बधाई की पात्र है। पहले हुई पिछली बार जब 15 मई को जो चर्चा हुई थी तो मुझे विश्वास है कि इस समय जो लगभग 70 साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उस सत्र में भी रहे होंगे और जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि आनंद का जो आधार है वो स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर, ये अपने बारे में है और फिर अपने आसपास का वातावरण भी स्वस्थ हो, जिसके 3 हिस्से हम लोगों ने चर्चा की थी, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ पर्यावरण। तो इन तीनों को मिलाकर के स्वस्थ वातावरण की बात। अब इसको कैसे हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, इस स्वास्थ्य को कैसे बनाए रख सकते हैं,
तो उसके लिए हम ये विचार करते हैं कि जो सार्वभौम मानवीय मूल्य हैं, जो सब जगह पर सब पर लागू होते हैं, जो इस सृष्टि के में मानव के जीने के सहज नियम हैं, उनको समझना और अपने जीने का आधार उनको बनाना, ये हमारे आनंद का एक स्रोत बन सकता है, एक आधार बन सकता है। इसी की चर्चा विस्तार से इन 5 दिनों में करेंगे। व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति, ये जो एक सहज व्यवस्था है, इसको समझना और इसको जी करके हम निरंतर सुखी हो सकते हैं, इसकी संभावना को हम तलाशेंगे इस दौरान। और ये संभावना किसी पुस्तक के आधार पर नहीं, क्योंकि जो रिसोर्स पर्सन सेशन ले रहे हैं तो उनकी बात मानने के आधार पर नहीं, तो बार बार प्रोत्साहित किया जाता है प्रतिभागियों को कि इसको स्वयं के अधिकार पर जांचिए। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना। जो भी बातें अब ये 5 दिनों के सत्र में आपके साथ शेयर की जाएंगी, वो प्रपोजल्स के रूप में शेयर की जाएंगी, प्रस्ताव के रूप में शेयर की जाएंगी, ना कि कुछ ऐसी मान्यताएं कि देखो भाई इसे तो मानना ही पड़ेगा तभी आनंदित हो सकते हो, तो ऐसा नहीं। बल्कि ये हमने समझा है, ये हमारे ध्यान में आया है, इसको हम स्वीकार करके अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस पर विचार कीजिए और उस विचार के आधार पर जो भी निष्कर्ष हैं आप स्वयं निकालिए। और हम ये जानते हैं कि परंपरा में आनंद के लिए यानी निरंतर सुख के लिए अथक प्रयास हुए हैं। अनेक महापुरुषों ने जो आज जो ये प्रयास है जो अगले दिनों में हम चर्चा करेंगे, उसी परंपरा का ही हिस्से के रूप में कहा गया है। परंपरा में जो कुछ भी कहा गया है उसको समझने का प्रयास करना, उसको जीने का प्रयास करना, और जो सार्थक निष्कर्ष उसमें से निकलते हैं उन्हीं निष्कर्षों को आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे इन 5 दिनों में। और ये दोनों बातें, एक तो कंटेंट जो है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौम है, वो रैशनल है, वो समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो वेरीफाइएबल है, उसको हम अपने जीवन में आचरण के द्वारा उसको अपने अनुभव से स्वयं में उसकी वैलिडेशन कर सकते हैं। और फिर इट लीड टू हार्मनी एट ऑल लेवल्स, इससे हर स्तर के ऊपर स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति के साथ, जहां जहां पर भी कोई कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं उनको रिजॉल्व करते हुए हार्मनी की ओर बढ़ सकते हैं। और ये सारा काम जो अपने को इस कंटेंट को करना है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया के आधार पर, किसी को मानने के आधार पर नहीं, तो बल्कि अपने स्वयं वास्तविकता को सीधा सीधा देखने, समझने और जीने की ये बात है, उसको हम लोग कर रहे हैं। और हम जब आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो हम दोनों मिलकर के को एक्सप्लोरर हैं, ना हम समझाने वाले हैं ना आप केवल समझने वाले हैं, हम दोनों मिलकर के अपने अपने निष्कर्षों की शेयरिंग करते हैं और उसमें से दोनों ही अपनी समझ को परिपक्व करते चलते हैं। और इसमें जो भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो केवल वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षण के लिए है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस शब्द का अर्थ, जो उस वास्तविकता के बारे में जो कुछ विवरण होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और उसका भी, उस विवरण को भी हम इसलिए समझते हैं ताकि हम अंततः वास्तविकता को समझ सकें। जो वास्तविकता है वो असली चीज है, जो उसका विवरण है जिसको हम अर्थ के रूप में लेते हैं फिर उसको बताने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर यही शब्द प्रयोग करेंगे, हम वहां पर वही शब्द, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बारे में कोई आग्रह नहीं है। तो इन 5 दिनों में हम सब मिलकर के आनंद के अर्थ को समझ सकें, जांच सकें और अपने अपने जीवन में चरितार्थ कर सर्व शुभ के अर्थ में समाज में भागीदार हो सकें, ऐसी शुभ अपेक्षा के साथ, ऐसी आकांक्षा के साथ मैं इस शिविर के उद्घाटन सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इन 5 दिन आपकी सक्रिय सहभागिता बनी रहेगी और अंतिम दिन हम आपसे भी आपके निष्कर्षों को, आपकी निष्ठा को, आपकी कमिटमेंट्स को सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत
धन्यवाद। बहुत बहुत आभार रजनीश सर, ठीक कहा आपने, आनंद को के साथ यूएचवी दल की पूरकता ना कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक अवश्य पहुंचेगी आनंद की इस यात्रा में। बहुत बहुत आभार आपका। प्रोफेसर एच डी चारक जी, मूल शिक्षा से संबद्ध AICTE की एक और महत्वपूर्ण समिति NCC UHV के अध्यक्ष और BTU राजस्थान के पूर्व कुलपति हैं। आप सभा में हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आपसे विनम्र प्रार्थना है श्रीमन कि अपने बहुत सारे अनुभवों में से कुछ को हमारे साथ साझा करें, जिससे हम सभी को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल सके। चारण सर, आपको प्रणाम और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम में, मैं विशेष इसको इसलिए कह रहा हूँ कि किसी राज्य ने अपनी प्रजा के लिए जो आनंदम का जो तरीका सोचा है, जो निरंतर आनंद हो सकता है, उसकी कल्पना के साथ आया, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को विशेष कहूंगा कि मुझे लगता है कि देश में ये पहला कार्यक्रम है इस तरह का, पहला काम हाथ में लिया गया सरकार ने, और ऐसा ही विशेष काम AICTE ने किया जिसके माध्यम से हम सब टेक्निकल इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटीज में काम करने वाले लोगों ने किया। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक अलग कल्पना है और उस कल्पना को जमीन पे उतारने के लिए हम सभी लोग लगे हैं। इस कार्यक्रम में जुड़े माननीय अखिलेश जी और उनकी सारी टीम, उनके सभी डायरेक्टर्स और सभी आनंदक, उनका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय अनिल शस्त्रबुद्धे जी जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। रजनीश अरोड़ा जी जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करते आए हैं, और UHV की सारी टीम का मैं मेरी तरफ से स्वागत करता हूँ। मुझे इस UHV से जुड़ने का मौका निश्चित रूप से रजनीश अरोड़ा जी के माध्यम से ही मिला, और उस नाते इस कार्यक्रम को करते हुए और इस काम को विद्यार्थियों तक ले जाते हुए लगा कि ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम टेक्निकल एजुकेशन में हमेशा स्किल 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 की ही बात करते रहते हैं कि हमारा विद्यार्थी कौशल सीख ले और कौशल के आधार पर अपना रोजगार पाले, और रोजगार पाना ही उसको लगता है सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है। उसको सीखते हुए ध्यान आ गया कि हम इंडस्ट्री रेडी व्यक्ति तो तैयार कर रहे हैं, और शायद हमको बार बार कहा भी ये जाता है कि आपका विद्यार्थी इंडस्ट्री रेडी नहीं है, इसको और इंडस्ट्री रेडी करिए, इसको और कौशल सिखाइए, अगर कौशल सीख किया है तो अंग्रेजी सिखाइए, अंग्रेजी सीख किया है तो और अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलनी सिखाइए, सॉफ्ट स्पोकन सिखाइए। लेकिन कोई भी यही नहीं कह रहा था कि जो कौशल सीख रहा है वो कौशल मूल्य आधारित है कि नहीं, और मूल्य के साथ कौशल को सीखना कितना महत्वपूर्ण है, और अगर मूल्य के साथ नहीं सीखता है तो उस कौशल का वो दुरुपयोग भी कर सकता है। जिस बिजली बनाने के फार्मूले से बिजली बनती है उससे बम भी बनता है, ये तो उसके उपयोग करने वाले में उसके मूल्यों पे निर्भर करता है कि वो बम बना के विध्वंस करता है और कर भी रहे हैं जैसा हम देख रहे हैं, या उसके जनकल्याण में बिजली का उत्पादन करता है। इसी कल्पना को ध्यान में रखते ही इस कोर्स को लागू किया, और सबसे पहले जब मैं वाइस चांसलर बना तो मेरा ये दायित्व भी बना और एक दायरा भी बना कि मैं मेरी पूरी यूनिवर्सिटी जो राजस्थान आधे से ज़्यादा राजस्थान को कवर करती है, और टेक्निकल जितने भी कोर्स है इंजीनियरिंग MBA MCA होटल मैनेजमेंट आर्किटेक्ट वो सारे उसके प्राइवेट और सरकारी सभी उसके अंदर में आते हैं, तो मुझे लगा कि इस कोर्स को लागू करना चाहिए, और मैंने निश्चित रूप से वाइस चांसलर होने के नाते तुरंत उसको लागू भी कर दिया। लेकिन जैसे भी मैं अप्रैल के महीने में ही वाइस चांसलर बना था, अप्रैल में ही इसको लागू कर दिया अगले सेशन में, ये कोर्स सभी में इंजीनियरिंग MBA MCA जो भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, BTech MTech वो सबको ये कोर्स पढ़ना है, कंपलसरली पढ़ना है, कंपलसरी कोर्स है। लेकिन जैसे ही कोर्स लागू किया मुझे ध्यान में आया कि ये कोर्स सिर्फ कागजों में लागू करने लायक नहीं है। कागजों में तो एनवायरमेंट का कोर्स भी लागू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिए थे एनवायरमेंट सबको पढ़ना है, लेकिन एक पासबुक तैयार हुई और बच्चों ने उस पासबुक को पढ़ के उस कोर्स को पास कर लिया। मुझे लगता है कि ये कोर्स इस तरह का नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, समझ के जीवन में उतारने की जरूरत है। अब जीवन में उतारने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो मुझे लगा कि शिक्षक का प्रशिक्षण होना चाहिए, जैसा आज हम 5 दिन का प्रशिक्षण कर रहे हैं, उसमें 8 दिन का ऑफलाइन प्रशिक्षण हुआ करता था सुबह 9 बजे से 6 बजे के लिए। हमने इस UHV की सेंट्रल टीम से बात करके और इसी लगभग मई के महीने में कार्यक्रम रख लिया मेरे टीचर्स के लिए। लेकिन मैं ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने सबको
इस कोर्स से जुड़ने के लिए कहा तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, अंततः मुझे ऑर्डर निकाल के कुछ टीचर्स को कहना पड़ा कि आपको जुड़ना ही है। जब पहले दिन कोर्स की बात हो रही थी तो मुझे उद्घाटन के बाद पता लगा कि बहुत से टीचर तो उसमें बाहर निकल के बाहर खड़े हैं, जैसा हम अक्सर टीचर्स की आदत होती है कि जो कोर्स अटेंड करने जाते हैं उसके कुछ समय रहते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इस तरह से वो पूरा दिन निकालते हैं, इस तरह से दो चार दिन निकाल लेते हैं। फिर मैं वापस पूरे दिन उस कोर्स में बैठा रहा, दूसरे दिन भी पूरे दिन बैठा। जब दो दिन के बाद उनको समझ में आया कि जीवन का महत्वपूर्ण कोर्स है, तब वो पढ़ने लगे। लेकिन इसके बाद मुझे ध्यान आया कि इससे सिर्फ मेरे टीचर्स को कहने से मेरा जो अपना कमिटमेंट है नहीं बनेगा, मैं खुद जब तक इस कोर्स को करके नहीं आऊँगा तब तक मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं खुद IIT कानपुर में 8 दिन का ऑफलाइन कोर्स करके आया वाइस चांसलर रहते हुए। मैं इस बात को बहुत गर्व से हमेशा कहता हूँ कि वाइस चांसलर रहते हुए रजनीश अरोड़ा जी के बाद में शायद मैं पहला दूसरा वाइस चांसलर था जो 8 दिन लगातार इस ऑफलाइन कोर्स को किया। मेरे साथ मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन्स को भी ले गया साथ, उनको कोर्स कराया है। और जब इतना कमिटमेंट बना तो मेरा अपना दायरा भी बना, मेरी अपनी समझ भी बनी। और ये मुख्य विषय ये है कि अपनी समझ बनती है तो हम अपने साथ न्याय करते हैं, अपने परिवार के साथ न्याय कर पाते हैं, अपने समाज में आनंद जी सकते हैं, सर समाज और संपूर्ण सिस्टम में अपने महत्व को समझते हुए और उसके साथ आनंद से जी सकते हैं। और जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ा, आज के समय में BQ के बारे में, बीकानेर टेक यूनिवर्सिटी के बारे में कहूँ तो लगभग इसके पास 69 कॉलेजेस है, उसके लगभग 60% टीचर्स ने इस कोर्स को किया है, चाहे उस कोर्स को पढ़ाने वाला हो चाहे नहीं पढ़ाने वाला हो। लेकिन जीवन को बिल्कुल महत्वपूर्ण जीने के लिए, समझ के साथ जीने के लिए, अपनी आप की समझ विकसित करने के लिए लगभग 60% टीचर्स ने इस कोर्स को किया है। और मेरा उद्देश्य था कि 100% टीचर्स इसको कोर्स करें। सिर्फ टीचर ही नहीं, सभी प्रिंसिपल्स ने भी इस कोर्स को किया। और हमने आगे बढ़ के प्रिंसिपल्स नहीं, बहुत से जो कॉलेज के प्रमोटर्स थे, मालिक थे, उनको भी इस कोर्स को करवाया और विद्यार्थियों तक तो ये कोर्स हो ही रहा था, जा ही रही थी। इस तरह से कोर्स बना कि लगभग लगा कि सब लोगों को महत्वपूर्ण कोर्स है, इसको होना चाहिए। पिछले साल की बात है, लगभग मार्च अप्रैल की बात है, जब कोविड का पहला लॉकडाउन लगा था और सभी लोग अपने घरों में बंद थे, संपूर्ण लॉकडाउन हुआ करता था, सिर्फ TV देखने के अलावा कोई काम नहीं होता था। मेरे उन्हीं टीचर्स के मन में ये आया कि क्यों नहीं हम विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन कोर्स, जैसा आज 5 दिन का कोर्स है, इस 5 दिन का ऑनलाइन कोर्स करवाया जाए। मुझे उस समय बहुत शंका थी मन में कि इसको ऑफलाइन में समझने में भी काफी समय लगता है, तो ऑनलाइन समझ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन तब तक माननीय सहस्त्रबुद्धे जी ने ऑनलाइन अपने ऑफिसर्स के लिए और खुद इस कोर्स को किया हुआ था, मैं भी लगातार उसमें प्रेजेंट था, तो मुझे लग गया था कि ये समझ में तो आता है, विद्यार्थियों को कितना आएगा ये देखने का विषय। पर मेरे टीचर्स का इतना कमिटमेंट था कि उन्होंने जबरदस्त तैयार की, डेली शाम को मिलते थे, किस तरह से प्रेजेंटेशन रखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, 15-20 दिन तक उन्होंने लगातार कोशिश की और कोर्स तैयार किया। और इसको 5 दिन का ऑनलाइन कोर्स बच्चों के लिए किया, 251 बच्चों के लिए। उसके 5वें दिन उनका फीडबैक जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि इस कोर्स का जो कंटेंट हम विद्यार्थी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन से भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जा सकता है। और उससे माध्यम से शुरू हुआ वह कोर्स ऑफलाइन बच्चों का, अब तक 8,000 से ज्यादा बच्चों का इसी तरह का ऑनलाइन 5 दिन का कोर्स हो चुका है। और मेरी इच्छा थी, मेरा प्रयास था कि BTO में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी कोर्स पढ़ने के साथ इस तरह का वर्कशॉप के माध्यम से सीखे। और मेरे टीचर जो तैयार हुए, उन टीचर्स में से बहुत से टीचर तैयार हुए हैं जो रिसोर्स पर्सन के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और रिसोर्स पर्सन जिस तरह का 5 दिन का वर्कशॉप आज आप देखेंगे, इस तरह से वर्कशॉप लेने के लिए तैयार है। ये सारा का सारा तभी समझ आया उन टीचर्स के लिए। आप समझ सकते हैं कि सरकार में काम करने वाले टीचर्स के लिए अगर वो लॉकडाउन में घर में है और घर बैठे इस तरह के काम करना पड़ा, एकदम मेरे विचार से तो असंभव सा लगता है और अकल्पनीय लगता है। उन्होंने करके दिखाया, मैं समझता हूँ शायद इसलिए करके दिखाया कि जब UHV के थ्रू निकले, उन्होंने खुद कोर्स अटेंड किया, तब उनको लगा कि हमारा जो दायरा सिर्फ चौक और बोर्ड तक सीमित नहीं है, ये विद्यार्थी मेरा अपना है, मेरे अपने परिवार का सदस्य है, हमारी जिम्मेवारी है, ये पीढ़ी है जिसको तैयार करने की हमारी जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को समझे और अपने को आपको समझ के अपने आप को, अपने इस जीवन को साबित करे और साबित करते हुए आनंद तक कैसे रह सकता है। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली बार इसको आगे बढ़ाया और हमको लगा कि स्कूल तक जाना चाहिए। हमने सभी कॉलेजेस से बात की, उन्होंने कहा कि हर एक कॉलेज एक स्कूल को गोद लेगा और बच्चों तक इस कोर्स को ले जाएगा। उसकी शुरुआत में 12 स्कूल में इसको कोर्स को ले जाया गया
वहाँ के स्कूल के टीचर्स ने किया, ट्वेल्थ के बच्चों ने किया, उनको भी इस कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण लगा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने इसको समझा, उन्होंने बात की और मैं ये समझ पाया इस कोर्स के माध्यम से कि जैसे हम खुद इस कोर्स को समझते हैं तो हमारी अगर समझ बनती है तो हमारा उसके साथ कमिटमेंट भी बनता है और उस कमिटमेंट के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने साथ न्याय कर पाते हैं, अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ भी न्याय कर पाते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे विश्वविद्यालय का वातावरण जो है उसमें जबरदस्त फर्क था। बहुत से टीचर ऐसे थे तो डिपार्टमेंट में साथ में थी, बिना ट्रांसफर की नौकरी थी, लेकिन ऐसा मैं एग्जाम्पल भी आपके सामने एक मिनट में रखना चाहूंगा कि एक टीचर ने जयपुर किसी कोर्स में जाने के लिए अप्लाई किया, नियमानुसार हमने उसको रेल और बस से जाने के लिए परमिट कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि जहाँ जा रहे हैं वो जयपुर से कुछ 30 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी वहाँ जाना है। थोड़ी देर में और उसी डिपार्टमेंट का दूसरा टीचर आया कि मुझे भी उस कोर्स में जाना है, तो जैसे ही दूसरा आया तो मुझे ध्यान आया कि दो टीचर को तो मैं कार से जाने में ही परमिट कर सकता हूँ, तो मैंने उसको कार से जाने में परमिट कर दिया ताकि वहाँ उसको तकलीफ ना हो, कोर्स में चला जाए और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना होगा और दिक्कत होगी। जैसे ही दूसरे को परमिट किया, दोनों को एक साथ कार में परमिट किया, तो पहले वाला टीचर मेरे पास आया कि मैं उसके साथ तो कार में जा ही नहीं सकता, उसके साथ तो मैं ट्रेवल ही नहीं कर सकता, आप मुझे जाना है तो बस में चला जाऊंगा लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर में दूसरा टीचर भी आया कि उसके साथ में कभी भी नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरे साथ का डिपार्टमेंट का, मैं उससे बात भी नहीं करता हूँ। इस तरह की सिचुएशन को जब मैं देखता हूँ कि किस तरह का वातावरण है, निश्चित रूप से उन्होंने कार से जाना पसंद नहीं किया, अलग अलग दोनों बस में गए, वापस आए, लेकिन वही टीचर जब मैं इस कोर्स से निकल के आए तो उनका वातावरण में देखता हूँ बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा समझ का फर्क है। उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ अपने अनुभव शेयर किए, हम तो समझते थे कि हमारी दुनिया अपने तक ही सीमित है, लगता है कि हमारी दुनिया अपने तक नहीं, सारा समाज अपना है, उसके साथ आनंदपूर्वक रह सकते हैं। और इसी तरह से मैंने जब इस कोर्स को लागू किया, लोगों से जब वातावरण वर्क प्लेस पे बना, अक्सर वाइस चांसलर को लोग कहते हैं वाइस चांसलर को बहुत मुश्किल होती है लोगों से काम लेने के लिए, मैंने ये महसूस किया कि जिसको जो भी काम दिया मुझे वापस दोबारा नहीं कहना पड़ा कि काम कब हो जाएगा, कोर्स बनाना है, स्कीम बनाना है, सिलेबस बनाना, किसी तरह का काम दिया कभी वापस कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो सिर्फ यूएचबी का ही काम देखता था कि मेरे टीचर्स का ये एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे हो सकता है, वो अपने आप को कैसे तैयार कर सकता है और बच्चों तक कैसे पहुंच सकता है। मैं समझता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य आनंद संस्थान ने जो अपना काम हाथ में लिया है और उसको राज्य का निश्चित रूप से मंत्री जी के माध्यम से उनको वरदान संरक्षण प्राप्त है। आज जो लोग भी जुड़े हैं ये कोर्स के माध्यम से अपने आप को जो तैयार करेंगे, ये अपने आप में एक संस्था के रूप में, एक व्यक्ति एक संस्था के रूप में काम करेगा। और आज जिस प्रमुख दिन काम शुरू हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा है, महात्मा बुद्ध ने ही कहा था कि सुख जो है व्यक्ति के अंदर है और हम बाहर खोज रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा दुख क्या है तो उन्होंने कहा है बेहोशी, यानी हम अपने बारे में जानते नहीं है, पहचान नहीं है, होश में नहीं है। तो पूछा उसका उपाय क्या है, उसका उपाय है होश में आना। मुझे लगता है कि होश में आने की हमने शुरुआत की है, इस शुरुआत से ये कोर्स सबके लिए बहुत ही आनंददायक होगा और मैं मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लायक जो भी काम होगा तन मन से मैं हर समय इस काम के लिए तैयार हूँ। और बीटीओ के बहुत से मेरे साथी, जिनसे भी मैंने अभी चर्चा की थोड़े दिन पहले की मध्य प्रदेश में राज्य आनंदम के नाम से इस तरह का काम गया, उन्होंने भी अपनी सहर्ष स्वीकृति दी है कि वो हमेशा इस काम के लिए तैयार है। जो भी यूएचबी के माध्यम से उनको जिम्मेवारी दी जाएगी उसको करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर प्रमुख संस्थान के प्रमुख लोग इस काम को लेते हैं, माननीय शस्त्र बोधे जी के AICTE के चेयरमैन के नाते और की पूरी टीम ने AICTE जब इस काम को हाथ में लिया तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया विद्यार्थियों तक ले जाना और देश में विद्यार्थी तक पहुंच रहा है। मुझे लगता है शिक्षा के माध्यम से AICTE इसको लाने की भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन समाज तक पहुंचाने की उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रालय और आप सभी लोग उसको करने में आगे आए हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे लायक जो भी काम होगा हम निश्चित रूप से इसको काम को आपके सहयोग के लिए सदैव तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल्यों के साथ कौशल शिक्षा का समन्वय, यही तो आनंद की सीढ़ी है। आपके इस वक्तव्य से पूर्ण सहमत होते हुए आपके और आपकी टीम के सघन प्रयासों को नमन करती हूँ चारण सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व कुलपति मेडिकैप यूनिवर्सिटी इंदौर प्रोफेसर सुनील के सोमानी जी ने ऐसी ही एक कार्यशाला में प्रतिभाग कर वस्तु को पहले समझा और फिर निष्ठापूर्वक मध्य प्रदेश में अपने राज्य में इसके नियोजन में लगने का मन बनाया है।
आपको आमंत्रण है सोमानी सर सभा के समक्ष अपने अनुभवों और भविष्य की योजनाओं को साझा करने हैं। प्रणाम सोमानी सर, स्वागत है। नमस्ते सभी को। उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री महोदया, सहस्त्र बुद्धे जी, AICT चेयरमैन रजनीश जी, हमारे प्रिय बागड़िया जी, करण जी, इंद्रपाल जी, अखिलेश जी, सत्यप्रकाश जी और गंगराड़े जी, और साथ में उपस्थित सभी UHV टीम के सदस्य, हमारे रिसोर्स पर्सन्स आल्सो, और सभी आनंदक बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि 15 मई जो वेबिनार की बात हुई है अभी, जिसमें रजनीश जी और पूरी आनंदक की जो टीम माननीय मंत्री महोदया के साथ में जो बैठी थी, वो मध्य प्रदेश के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आनंदक भाई बहन हैं और हमारा जो विभाग है, ये काफी पहले से सिमिलर एक्टिविटीज कर रहा है और नेशनल लेवल पे जो गणेश जी और उनकी पूरी टीम और उसका साथ जब AICT ने दिया, तो हमें जो उसके माध्यम से स्टूडेंट्स के बीच में, पूरी फैकल्टी, टीचर्स के बीच में, उनके परिवार के बीच में जो चेंज आया है, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 15 मई हमेशा एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। और उसके बाद में जो फॉलोइंग मीटिंग्स हुई, जिसमें अखिलेश जी, इंद्रपाल जी और उनकी पूरी टीम ने साथ में डिस्कशन करके, और अति शीघ्र आज 26 तारीख से हम इस शिविर का आयोजन कर पा रहे हैं। मैं इंदौर का होने से उषा दीदी को, उषा ठाकुर जी जो हमारी मंत्री महोदया है, उनको हम प्रेम से उषा दीदी ही बोलते हैं, तो उषा दीदी को मैं इंदौर का होने से बड़े अच्छे से जानता भी हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि उनके मन में ह्यूमन वैल्यू के लिए कितना बड़ा आदर है, स्थान है, और इसी कारण मुझे ये 100% है कि जब ये शिविर पूरा होगा, उसके बाद में जितने आनंदक भाई बहन हमारे इस चीज को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो पूरे जन जन में, पूरे गांव में ये भागीदारी और वो जो माहौल पॉजिटिवनेस का बनेगा, वो सबके पास निश्चित रूप से पहुंचेगा। मैंने खुद ने जो है 8 दिन का फिजिकल वर्कशॉप, ये वाला जो प्रोग्राम होता है पूरा शिविर, ये 8 दिन मेडिकेप्स के कैंपस में ही हमने अटेंड किया था, और मुझे बड़ी खुशी है कि रिसोर्स पर्सन के रूप में पवनेंद्र सर और दिलशाद सर यहाँ जो मौजूद हैं, यही आपको रिसोर्स पर्सन के रूप में रहेंगे, और इन्हीं लोगों ने मेडिकेप्स में भी भागीदारी की थी, यही हमारे रिसोर्स पर्सन थे। मैंने UHV की विषय वस्तु और इसकी प्रक्रिया को बड़ी गहराई से जांचा है, और इसकी व्यवहारिकता को भी बड़ी सटीकता से परखा भी। UHV को मैं पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से जुड़ा हुआ हूं, और इसकी जुड़ाव जो हुआ था उसकी भी एक कहानी है। जैसा उपासना दीदी ने बताया कि AICT के माध्यम से हम लोग सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में इसको पहुंचाए थे, और उसी क्रम में जब स्टूडेंट इंडक्शन के रूप में मैंने अपने यहाँ से कुछ टीचर्स को भेजा था,
उन्होंने बोला स्टूडेंट्स के साथ तो हम ये प्रयोग करेंगे ही, परंतु इससे हमारी मानसिकता में जो बदलाव आया है, जो सकारात्मकता हम लोगों के बीच में आई है, वो बड़ी प्रबल है और मैं उसको समझ सकता हूँ। जैसे चारण जी ने आपको एग्जांपल दिया कि दो टीचर्स जो पहले साथ में जाने के लिए भी तैयार नहीं थे, इस शिविर को अटेंड करने के बाद में उनमें जो बदलाव आया है और वही माध्यम, वही गणना मैंने अपने स्टूडेंट्स के बीच में, अपने स्टाफ के बीच में, अपने फैकल्टी के बीच में पाई है। और यूएचवी के माध्यम से एक सबसे अच्छा काम जो होता है वो कोई भी प्रस्ताव, मतलब प्रपोजल, वो रखा जाता है, उसको बोलते हैं कि अब आप इसको जांचे, इसको परखें और उसके बाद में ही जीवन में अपनाएं। कोई भी चीज मान्यता हमारे ऊपर थोपी नहीं जाती है और इसलिए जब तक हम उसको नहीं समझ लें, अपने मन में नहीं समझ लें और अच्छा नहीं कर लें, तब तक उसको एडाप्ट करने के लिए तो बोलते ही नहीं है। कुछ चीजें और जो मैंने ऑब्जर्व की है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो रिलेशनशिप में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है, जो बोलने का तरीका है उसमें भी बड़ी मिठास आती है, बहुत ज्यादा बदल जाता है। और जहां तक इसको शुरू में लागू करने के लिए है, मुझे बड़ा विश्वास है कि सभी आनंदक भाई बहन और ये पूरी टीम जो मध्य प्रदेश की है, ये पहले से ही इस विषय वस्तु को थोड़ा सा समझती है और उसको अपनाने के लिए कटिबद्ध है। और जब हम यूएचवी की टीम के साथ, जो रिसोर्स पर्सन आपको इसके बारे में बताएंगे, तब आपको फील होगा कि काफी चीजें जो हैं वो सिमिलर तो है, परंतु उसका तरीका जब यूज करते हैं, बदलते हैं, तो आपको वाकई बहुत आनंद आएगा। और जीवन में आनंद यही तो हमारा काम है। हमारी मान्यताएं कई जो बनी हुई है उसके ऊपर सटीक प्रहार भी होता है और कई अच्छी मान्यताएं जो है उसके ऊपर डिस्कशन होके उसको अपनाने के लिए भी बोलते हैं। यहाँ पे जब बात होगी तब स्वयं के बारे में, मतलब सेल्फ, फैमिली के बारे में, मतलब परिवार, पूरी सोसाइटी के बारे में, पूरे नेचर और एग्जिस्टेंस के बारे में बात होगी। मतलब जब हम अपनी ह्यूमन वैल्यू को देखते हैं तो वो हम तक सीमित नहीं है, हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए, हर एक के लिए जो है ये लागू होती है। एक चीज मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा कि इससे रिलेटेड जो मटेरियल है, वो वीडियोज हैं, ये सब ऑनलाइन उपलब्ध है। मतलब AICT के आप गूगल जब करेंगे, AICT यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, तब भी आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ में यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसने इस कोर्स को सबसे पहले अपनाया था, उनकी वेबसाइट पे, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बाकी सब दूर ये लिंक अवेलेबल है। आप आसानी से ये मटेरियल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज रजनीश जी ने बोली थी जो काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई किसी को सिखाता नहीं है, ये केवल प्रस्ताव के रूप में रखते हैं और आप और हम सब को एक्सप्लोरर होते हैं। आप भी एक्सप्लोर करें, हम भी एक्सप्लोर करें, आपस में डिस्कशन करें और उसी माध्यम से हम इस चीज को ग्रहण करें, तो इसकी प्रैक्टिकलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी रूप में ये बात होती है। इसमें कहीं थ्योरी नाम की चीज ऐसी नहीं है। और ये जो शिविर है, ये कोरोना काल में, जिसको हम बोलते हैं ब्लेजिंग इन डिस्गाइज, हमने कई ऐसे शिविर जो अटेंड किए हैं, फिजिकल माध्यम से जब करते हैं तो काफी अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु अब हम सब लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी इस चीज को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी इंदौर में जब मैं कुलपति था, कुल मिला के अभी हाल मुझे 6 दिन ही हुए हैं त्याग पत्र दिए को,
तो जब मैं कुलपति था तो यूएचवी को लागू करने के साथ समाज में इसको हर एक व्यक्ति तक ले जाने की आवश्यकता को भी मैं अच्छे से महसूस कर पाता। आपको पता है कि टीचर्स जो हैं वो हमेशा नॉलेज देने के लिए कटिबद्ध होते हैं, उनको कभी भी ये फील नहीं होता है कि जो चीज हमारे पास है उसको हम क्यों किसी के साथ शेयर करें। उल्टा टीचर्स हमेशा हमारे पास जो चीजें होती है उसको निश्चित रूप से सब लोगों के साथ शेयर करता है। और मैं भी चाहता हूं कि इसको मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाने में जो भी भागीदारी बनती है उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। और इस ढंग का कमिटमेंट जो होता है, अभी जैसे चारण जी ने भी जिक्र किया था, रजनीश जी ने जिक्र किया था, इस सुबह 5:30 बजे से इस ढंग की चीजें जो हैं वो सवेरे एक मीटिंग होती है और उसी के साथ में हम लोग जुड़ जाते हैं सवेरे। हर आदमी उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसमें कुछ नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ ज्ञान की चर्चा होती है और डिस्कशन होता है। आनंदक विभाग जब सबसे पहले ये मंत्रालय बना था, मैं चूंकि शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, पिछले 30 वर्षों से अधिक मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जब यह मंत्रालय आया था तब कुछ मीटिंग्स जो इंदौर में हुई थी उसको भी मैंने अटेंड किया था, और तभी से मैं समझता हूँ ये विभाग बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। और धीरे धीरे करके पूरे मध्य प्रदेश में जितना डेप्थ तक पहुंच सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे और उसके बाद विलेज लेवल तक ये जब पहुंचे हैं, उसी माध्यम से यदि यूएचवी सब पहुंचेगी तो ट्रिमेंडस चेंज जो आएगा वो निश्चित रूप से आएगा। मैं एआईसीटी और गणेश जी और पूरी टीम को बधाई देता हूं, और साथ में इस शिविर के माध्यम से उभरने वाली बड़ी संभावनाओं के लिए माननीय मंत्री महोदया को, समस्त आयोजक को और समस्त आनंदक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपनी भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध हूं और मुझे लगता है कि इस शिविर के बाद यहाँ पे मौजूद सारे 71 लोग जो अभी हाल दिख रहे हैं मुझे, सभी इसी तरीके से अपना कमिटमेंट देंगे और हम मध्य प्रदेश में आनंद और बढ़ाने की जो लालसा है उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्ते। जी, स्वान्वेषण और स्वनिरीक्षण के आपके व्यक्तिगत प्रयासों और उपलब्धियों को सुनना सचमुच आनंददायक है सुमानी सर। भविष्य में समाज स्तर पर आपके निष्ठापूर्वक जुड़ने की करबद्ध प्रार्थना भी है आपसे। कृतज्ञता और हृदय से साधुवाद सर। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगी कि सुश्री उषा बाबू सिंह ठाकुर जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उषा दी, आपका हृदय से स्वागत करते हुए आपके आशीर्वाद के साथ इस कार्यशाला को लगातार हम लोग है ना आगे भी चलाना चाहेंगे, तो आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है। प्रणाम उषा दीदी। जी बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा अध्यात्म भाग निरंतर पूरे प्रदेश में सकारात्मकता का विस्तार करने हेतु कटिबद्ध है। आज अध्यात्म विभाग के माध्यम से AICTE यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और आनंदम विभाग द्वारा जो 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज 71 साथी हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि COVID-19 में बीमारी से जितने लोग
त्रस्त होके दुनिया नहीं छोड़े, उससे अधिक अवसाद और निराशा के कारण लोगों की जाने गई हैं। ऐसे कठिन दौर में हमने अपना दायित्व बखूबी निभाने का जो प्रयास किया, मैं अखिलेश अर्गल जी को, क्योंकि सतत वो चिंता करते हैं कि विभाग कुछ न कुछ सकारात्मक रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ता चले, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे विभाग को ये एक मौका मिला कि हम उसकी सार्थकता, उसकी प्रासंगिकता और उसका सदुपयोग इस भीषण परिस्थिति में भी कर रहे। मानव त्रासदी का ये कठिन दौर सबके सकारात्मक संकल्प से निश्चित रूप से बीत जाएगा, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। अपने आनंदक साथियों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि कोरोना की जड़ पे हम सबको प्रहार करना होगा। जिस प्रकार से निरंतर धरती का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत की छेद कभी इबोला को तो कभी चिकनगुनिया को, कभी स्वाइन फ्लू को और कभी कोरोना को मानव जाति के लिए त्राही त्राही करने हेतु भेज रहे, हमें ओजोन परत रिपेयर करनी ही होगी। और उसे रिपेयर करने का यदि कोई तरीका है तो वह वृक्षारोपण, वो ही यज्ञ और हवन, अब तो विज्ञान भी सिद्ध कर चुका। मैं अखिलेश जी को कल भी मैंने आग्रह किया था, अखिलेश जी मैं दोनों वीडियोस आपके पास भेज रही हूँ जिनमें हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके यह सिद्ध किया कि किस प्रकार से किस औषधि का धुआं किस रोग को समूल समाप्त करता है। तो उन्होंने इसी तारतम्य में ये भी बताया कि यदि ओजोन परत को हम रिपेयर करना चाहते हैं तो सुबह शाम सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त की दो आहुतियां यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी मानते हुए निरंतर करने लग जाए तो इस ओजोन परत को भरते देर नहीं लगेगी और मानवता राहत की सांस लेगी। इसी प्रकार से हम जिस मत पंथ को मानते हो, भारतीय दर्शन वाले हैं, तो हम जानते हैं कि हम दुनिया से जब विदा होंगे तो हमें पांच वृक्षों की आवश्यकता लगेगी। प्रकृति का यह सिद्धांत है, हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि जितना हम प्रकृति का दोहन करें उतना तो हम उसे लौटा ही दें। यदि ये सब हमने नहीं किया तो दुनिया आने वाली पीढ़ी के जीने लायक नहीं बनेगी। और आनंदक तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो सदैव संसार सुखी हो, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए आनंदक हमारे साथ, हमारे विभाग के साथ जुड़े हैं। मैं उन सबको अभिनंदन करती हूँ, उनका आह्वान करना चाहती हूँ इस शेर के माध्यम से। सीख ले फूलों से गाफिल, सीख ले फूलों से गाफिल, मादाए जिंदगी खुद महकना ही नहीं, गुलशन को महकाना भी है। आइए हम अपने मानव जीवन को सार्थकता दें, अपने नैतिक दायित्व को पहचाने और दुनिया को सुंदर बनाने में, सुखद बनाने में, सकारात्मक बनाने में जुट जाएं। आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी, इंदौर मध्य प्रदेश को जन्मस्थली एवं कर्मस्थली के रूप में अपनाकर अपनी प्रतिभा से उपकृत करने वाली माननीय मंत्री जी सुश्री उषा बाबू सिंह जी ठाकुर जी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार में संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म विभाग में मंत्री पद को सुशोभित कर रही हैं, आज अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे साथ व्यतीत करने हेतु हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर हमारे बीच पधारी। हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं
पूछा दी। माननीय मंत्री जी की पृष्ठभूमि एक शिक्षक, विचारक, पर्यावरण प्रेमी और कवित्री की रही है, तो जहां आप में तर्क और विश्लेषण की योग्यता है, वहीं एक रचनाकार की मृदुता भी। आपको महापुरुषों और श्रेष्ठ जनों से संबद्ध स्थलों के भ्रमण में भी काफी रुचि है। निश्चित रूप से आपको आपके विचारों को सुनना हम सभी के लिए सौभाग्य का अवसर है। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी आपका। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको पूर्ण करने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे AICTE के शीर्षस्थ पदाधिकारी, जिनकी दूरदर्शिता और संयोजन क्षमता के परिणाम स्वरूप लॉकडाउन काल को अवसर में परिवर्तित करते हुए 40 से अधिक ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन कर देश भर के 40,000 से भी अधिक शिक्षकों को वस्तु से परिचित कराया जा चुका है और अभी भी यह यात्रा अनवरत जारी है। मैं अब सहर्ष आमंत्रण देना चाहूंगी AICTE अध्यक्ष श्रीमान अनिल डी सहस्त्रबुद्धे जी को। सर, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें और सभा को शुभाशीष देकर उपकृत करें। प्रणाम सर, स्वागत है। सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती उषा ठाकुर जी, जिनका विभाग ही संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म इसके विषय पर है, और हमारे साथ जुड़े हुए अखिलेश अर्गल जी, डॉक्टर रजनीश अरोरा जी, सोमानी जी, चरण जी, सत्यप्रकाश जी, इंद्रपाल सिंह जी, गांगरडे जी, और हमको इसमें AICTE को प्रेरणा देने वाले श्री गणेश बागड़िया जी, राजू लस्थाना जी, उपासना जी, आप भी हम सब लोगों के साथ जुड़कर, जो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में हो या भारतीय परंपराएं के बारे में हो या इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आज जो आनंद के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी योगदान सातत्य से दे रहे हैं। जो हमने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम 3 हफ्ते का डिज़ाइन किया और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का कोर्स बनाया, उस सब में डॉक्टर रजनीश अरोरा जी, चरण जी, इनका सहभागिता जो थी, उसके वजह से आज AICTE गत 3-4 सालों से इसमें कार्यरत है। सबसे महत्वपूर्ण, यानी एक रेगुलेटर बॉडी होते हुए ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनको हमारी परंपराओं के साथ जोड़ना, अध्यात्म के साथ जोड़ना और जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है उसके साथ जोड़ना, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो हम बताते हैं या कहते हैं, या हम उनको जब वर्कशॉप में आते हैं तो जांचने के लिए कहते हैं, खुद परखने के लिए कहते हैं, बार बार कहते हैं कि इट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो सबसे महत्वपूर्ण है, हमेशा हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या किसी भी पॉलिसी में हमेशा एक बात की जाती है कि हमको रैशनल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तो ये हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम एब्सोल्युटली लॉजिकल, साइंटिफिक और रैशनल है, क्योंकि इसका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन या इंट्रोस्पेक्शन या जांच पड़ताल हम खुद करते हैं तो पता चलता है कि ये मेरे मामले में ही नहीं, पूरी दुनिया के मामले में भी वही चीज सही है, सत्य है। और इसलिए ये सत्य को जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सत्य किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, सत्य अंदर से आना चाहते हैं हम सब लोगों को। वो अंदर से बाहर आने के लिए वर्कशॉप जो हम बार बार, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो AICTE ने 2017 मार्च माह में हमने 10 बिंदुओं के ऊपर हमारा कार्यक्रम करने के लिए प्रारंभ किया, उसमें स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एक बहुत बड़ा उसमें से योगदान देता है। लेकिन अभी अभी हम माननीय मंत्री जी से सुन रहे थे कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा विभाग निर्माण किया है जिसमें संस्कृति और पर्यटन तो बहुत सारे जगह में है, देश में अपने मंत्रालय में भी है, लेकिन उसके साथ अध्यात्म को जोड़ना, उसके साथ
हमारे सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए जोड़ना, ये कदापि ये पहला ही राज्य है जिसने ये कार्य किया, और वो भी 2017 में ही किया जब हम भी कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग जगह में उसी के तरीके के बीज अलग जगह में बोझ बिए जाते हैं और उसके बाद वो बड़ा पेड़ बन के 4 साल में उभर के आया है। और मेरे ख्याल से मैं राज्य सरकार को, इस आनंद संस्थान को और इस विभाग को 2016-17 से ही विचार करके 2018 से पूरे के पूरे कार्यरत होते हुए और इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स को भी बनाने में जो कार्य किया हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है, और मुझे लगता है कि बाकी राज्यों को भी इससे सीखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाते हुए बाकी जगह में भी इसकी संकल्पना अपने अपने राज्यों में आनी चाहिए। जहाँ तक AICT का है और आज अभी कोविड की स्थिति है, तो मंत्री महोदया एकदम सही तरीके से कह रहे थे कि हमको सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा रोग है जो वायरस इन्फेक्शन हो रहा है, दूसरा वेव भी है और लोग तो तीसरे वेव की भी बात जब कर रहे हैं, तो जब तक हमारे इसमें सकारात्मकता नहीं है तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। और इसलिए जब हम सुख की कल्पना, आनंद की कल्पना करते हैं तो सिर्फ मेरे लिए नहीं तो पूरे हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए, हमारे आत्मजनों के लिए, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए, हमारे कॉलेज में सीखने वाले छात्रों के लिए, हमारे प्रिंसिपल है तो वो बाकी सभी फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स के लिए, वो सब के बारे में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वैचारिक भूमिका है गत हजारों सालों से, तो वो हमेशा दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है। एक है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया यानी हमारी एक ये फैमिली है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए सब लोगों को साथ एक साथ जीना पड़ेगा। और दूसरा है सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, यानी सबको हमको सुखी रखना है तभी मैं भी सुखी रह सकता हूँ। और जब बार बार हमेशा कई बार राम राज्य की कल्पना भी लोग बताते हैं, तो राम राज्य कौन सा है? जहाँ सबसे नीचे से नीचे आदमी जो भी हो, यानी अंत्योदय उसका जो लक्ष्य होता है कि जो गांव दूर दराज जगह में है, ट्राइबल एरिया में है, जिसको उसके पास कोई भी साधन नहीं है, ऐसे लोगों को भी जब तक हम सुखी और आनंदी नहीं बनाते तो हम खुद आनंदी नहीं रह सकते हैं। और कई बार इसका जब हम अवलोकन करते हैं आनंद के बारे में, तो बचपन से उसका डेफिनेशन बदलते रहता है। मैंने देखा है हमको भी बचपन में जब घर में गुलाब जामुन या जलेबी बनती है तो मुझे और एक खाने पड़े, और एक मिलेगी क्या, उसमें मुझे आनंद मिल रहा है ऐसे लगता है, लेकिन 4, 6, 8, 10 जलेबी या गुलाब जामुन खाने के बाद उसका आनंद ख़त्म हो जाता है। और वैसे ही जब बचपन में हम गाड़ियां देखते हैं, हमको हमारे घर में तो नहीं है तो लेकिन मुझे भी कम से कम स्कूटर होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, ऐसा लगता है, घर भी बड़ा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। तो आनंद सुख के लिए, सुविधाएं के लिए जो हम तरसते रहते हैं उसकी ज़रूरत कितनी है, ये महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा है कि देर इज़ फॉर एवरीवन्स नीड इनफ इन दिस प्लैनेट बट नॉट फॉर ग्रीड ऑफ इवन सिंगल पर्सन। तो इसलिए हम यदि चाहते रहेंगे कि हमको और भी चाहिए और भी चाहिए, तो कभी हम सुखी और समृद्ध नहीं हो सकते हैं। और वो सुख समृद्धि जो है आंतरिक भाव से आनी चाहिए, और वो आंतरिक भाव से आने के लिए जो इस अध्यात्म का डिपार्टमेंट बनाया गया है, आनंद का डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो ये यही काम जो राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश के द्वारा हो रहा है, वैसे ही AICTE यानी अभाच्छिप परिवार में भी हमने 2017 से ही स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम को शुरू किया। और इसका महत्व अभी कोरोना काल में और भी ज़्यादा हमको समझ में आ रहा है कि जब किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी को बेड का व्यवस्था नहीं हो रही है, किसी को दवाई नहीं मिल रही है, तब जब हम एक दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं तब कब करेंगे? तो हमारी ह्यूमैनिटीज़ की या हमारी मानवीयता का जो हम बार बार कह रहे हैं, तो उसका परिणाम हमारे सामने हमेशा आ रहा है। तो इसलिए आज नई शिक्षा नीति भी आई है, उसमें भी होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में, सर्वांगीण विकास के बारे में, हर आदमी का फुल पोटेंशियल बाहर निकालने के बारे में
लिखा गया है, बताया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने इसी को 100 साल के पहले ही कह दिए था कि हर आदमी के अंदर एक ऊर्जा है, एक हुनर है, और उस डिवाइन पावर को, उस एक्सलेंस को पहचानना, उसका संवर्धन करना, उसको शिक्षा के माध्यम से फाइन ट्यूनिंग करना, उसको होनिंग करना, यही हमारा शिक्षा का मूल आधार है। और ये करने के लिए मानवीयता और सबका सुख हमारे सुख के साथ जुड़ा है। और जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि साइंटिफिक लॉजिकल होना चाहिए, तो ये गुरु शिष्य परंपरा में पहले से ही बताया गया था। शिष्य कोई भी प्रश्न गुरु को पूछ सकता था, और वही गुरुकुल से माध्यम से होते होते हमारे ही देश में सबसे दुनिया की पहली जो विश्वविद्यालय थी, तक्षशिला नालंदा बनी थी। और इसलिए ज्ञान जो है वो सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं, उसको संवर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी है। इसलिए नए शिक्षा नीति में जो इनोवेशन, नवाचार और संशोधन या रिसर्च के बारे में भी कहा गया है, लेकिन इसके सबके पीछे होलिस्टिक डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइंग टैलेंट, एक्सप्लोरिंग द टैलेंट, एनकरेजिंग द टैलेंट, मेंटरिंग द टैलेंट एंड डेवलपिंग फुल पोटेंशियल विथ कीपिंग इन ट्रैक दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्पॉइल अवर एनवायरनमेंट। हमारे जो विश्व की पूरी व्यवस्था है उसको कोई भी कठिनाइयाँ न आए, इसके बारे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्वस्थ मानव और समाज और देश और दुनिया बनाने के लिए यह आत्मपरीक्षण, आत्मनिरीक्षण सातत्य से हमको करना चाहिए, और ये सत्यता बार बार जाननी चाहिए। और ऐसे जो कार्यक्रम यहाँ एक हफ्ते के लिए अब हम राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से और NCCIP टीम, जो डॉक्टर रजनीश अरोरा जी ने इसको काफ़ी बढ़ावा दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि 25-30 साल से IIT दिल्ली हो, अपने उत्तर प्रदेश के टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, IIIT हैदराबाद हो, इन सब लोगों ने जो किया था, BHU ने, ये सब लोगों का सहारा लेते हुए हमने एक मॉड्यूल बनाया है, और इसको हम हर हफ्ते करते हैं। और पैंडेमिक में जब हमारा कार्य रुका जाता है क्या, ऐसे जब हमारे मन में शंका आ रही थी, उसी समय पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने जूम के माध्यम से हर हफ्ते एक नया प्रोग्राम शुरू किया, और मेरे ख्याल से एक हफ्ते में करीब 800-900 फैकल्टी मेंबर्स, हमारे वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, इन सब लोगों ने इसमें सहभागिता की है। और उसके पहले भी हमारे ऑनलाइन के पहले फेस टू फेस मोड में 50-100 लोगों को एक एक साथ में हम ऐसे वर्कशॉप करते थे। अभी 40,000 के ऊपर फैकल्टी मेंबर्स को हमने ट्रेन किया है, जबकि AICT के अंतर्गत करीब 10,000 संस्थाएँ हैं और 40,000 फैकल्टी मेंबर्स का ट्रेनिंग हो चुका है। इसका मतलब एवरेज किसी कॉलेज में नहीं होंगे, लेकिन कम से कम 4-5 लोग हर कॉलेज में अभी उसमें ट्रेंड आदमी हैं। तो मेरे ख्याल से अभी मेरा अपील भी रहेगा, मेरी ये सब लोगों के पास मेरा एक कहना है कि आप सब जो 40,000 ट्रेंड फैकल्टी मेंबर्स हो, वो आप अपने अपने कॉलेज में और 10-20-25 फैकल्टी को इसको साथ जोड़ना है। बेसिक वर्कशॉप शायद आप अपने तरफ से ही कर सकते हैं, बाद में जूम वेबिनार में आप सब ज्वाइन करके ये 40,000 संस्थाओं के लोग जो जुड़े हैं उनको 4,00,000 में करेंगे, तो पूरे समाज में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमको बहुत बहुत मदद मिलेगी। और आज हम एक हफ्ते के पहले ही देख रहे थे इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में झगड़ा है, उसके भी पहले काफ़ी साल तक कोल्ड वॉर चलता था अमेरिका और रशिया के बीच में, आज अनरिटन वॉर बिटवीन चाइना एंड मेनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। तो इस सब लोगों को यदि सही ढंग से हमारी सुख समृद्धि आनंद इसकी संकल्पना दुनिया को देनी है, तो पहले हमारे देश में उसको सही ढंग से प्रचार करना जरूरी है। और टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से हम जो कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति में इसके सारे अंग है, तो मेरे ख्याल से UGC भी हो या बाकी सारे स्कूल विभाग हो, वहाँ भी इसका प्रचार करते हुए, और जैसे मध्य प्रदेश राज्य ने अध्यात्म को जोड़ा है अपने संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ, वैसे ही बाकी राज्यों में भी ऐसा ही
मूल्यों के आधार पर आनंद का एक विभाग यदि निर्माण होता है तो पूरे भारतवर्ष में हम सुख समृद्धि मेडिटेशन योगा के और ज्ञान को बांटते हुए बना सकेंगे। और यदि ऐसा सब जब हो जाएगा तो हम बाद में दुनिया को भी हम बता सकेंगे कि हमारे देश में ये सब जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी आज भी उसको जागृत किया गया है, आप भी इसको अपनाइए। और वहाँ भी हम किसी को ऊपर थोपेंगे नहीं, साइंटिफिकली लॉजिकली वी विल डील विथ मोस्ट क्रिएटिव मैनर में उनको हम ये समझा सकेंगे। ऐसा कहते हुए और एक बार भारत विश्व गुरु बन सकता है ऐसे कहते हुए मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। कोटि कोटि आभार अध्यक्ष महोदय। निरंतर सुख या आनंद हेतु शिक्षा जगत के की शीर्षस्थ संस्था के प्रमुख के रूप में आपके प्रयास और दूरदर्शिता सराहनीय है और आपके कुशल नेतृत्व में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक चेतना का सफल कार्यक्रम क्रियान्वित होने की पूर्ण संभावना है। हृदय से आभार आपको सहस्त्र बुद्धे सर। श्रीमान अखिलेश अर्गल जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य आनंद संस्थान भी इस शुभ अवसर पर हम सभी के साथ हैं। हम आपके विचारों को सुनने हेतु आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। अत्यंत आह्लाद के साथ आपका स्वागत करते हैं अखिलेश जी। अखिलेश सर स्वागत है, प्रणाम। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। मैं समझता हूँ मेरी आवाज आ रही है। माननीय माननीय मंत्री महोदया, मध्य प्रदेश शासन, हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के साथीगण, डॉक्टर अरोरा जी, प्रोफेसर चारण जी, राजुल अस्थाना जी, उपासना जी एवं वे अन्य सभी जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया हूँ, हमारे AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर सहस्रबुद्धे जी, वाइस चेयरमैन पुनिया जी एवं हमारे राज्य आनंद संस्थान के सभी सहयोगीगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, सभी को प्रणाम। मैं आभारी हूँ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और AICTE का, जिन्होंने हमारे 15 मई के कार्यक्रम के लिए एवं आज शुरू होने वाले कार्यक्रम के लिए अत्यंत शॉर्ट नोटिस पर अपनी सहर्ष स्वीकृति दी और हम सभी को इसके इससे लाभान्वित किया। मैं दिल से मध्य प्रदेश शासन की ओर से उनके लिए आभारी हूँ। मेरे ख्याल से एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। सत्यप्रकाश जी ने मुझे राज आनंद संस्थान के जो प्रतिभागी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनकी इस कार्यक्रम से अपेक्षाओं का सार मुझे भेजा और उस सार को देखने पर लगता है कि उसमें से दो ही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हम या तो अपने को बेहतर करना चाह रहे हैं या हम अपने आसपास के समाज को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा था कि यदि हम सभी यही चाह रहे हैं तो हमको अपनी आशा के अनुरूप परिणाम क्यों उतने स्लो मिल रहे हैं, उसका क्या कारण है, क्या हमारी कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन मैं अपने राज आनंद संस्थान के साथियों की इस पर प्रश्न नहीं उठा सकता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर झांका है, अपने को पहचाना है, अपना मौखटा अलग किया है अल्पविराम कार्यक्रम के माध्यम से और अब ये जो बाहर है वही अंदर है। तो अगर हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो फिर और नजर आए। पहला, हम लोगों की इस विचारधारा को रखने वाले लोगों की संख्या सीमित है। दूसरा,
हम लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में बिना एक दूसरे को जाने हुए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यह चिंतन का विषय है, हम सभी के लिए मनन का विषय है कि कैसे हम इस विचारधारा को रखने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाएं और कैसे हम मिल करके समन्वित प्रयास करें जिससे कि हम अपनी सार्थकता को प्रतिपादित कर सकें और हम एक बेहतर विश्व परिवार की संकल्पना को साकार कर सकें जिसकी हम सभी इच्छा रख रहे हैं। मैं एक बार पुनः यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और AICTE टीम का आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सर की आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ पा रही है, मुझे लगता है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है। परीक्षित जी, जी दीदी हाँ, मुझे भी नहीं आ रही दीदी वॉइस जी। अखिलेश सर आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं सर, सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए दीदी जी। अखिलेश जी श्रीवन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी, जी आवाज आ रही है क्या? जी बीच में कट गई थी कुछ दो एक मिनट के लिए। जी जी सर, मैं कह रहा था कि एक प्रश्न ये उठ रहा था कि आखिर हमको आशा के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। एक इसका कारण यह हो सकता है कि शायद हमारी कथनी और करनी में अंतर हो सकता है, लेकिन मेरे राजानंद संस्थान के जो साथी जुड़े हुए हैं उन्होंने इस पर काफी कार्य किया हुआ है, उन्होंने अपना मुखौटा उतार दिया है, अपना मास्क उतार दिया है, इसलिए इनकी कथनी और करनी में तो अंतर मैं नहीं मान सकता हूँ। तो फिर दो कारण मुझे और समझ में आते हैं। एक कारण यह है कि शायद इस विचारधारा को रखने वाले लोगों की संख्या अत्यंत सीमित है, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि हम लोगों के जो प्रयास हो रहे हैं अकेले प्रयास हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास हो रहे हैं, समन्वित प्रयास नहीं हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यह हम सभी लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि कैसे हम इस विचारधारा को साझा करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाएं और किस प्रकार से हम समन्वित प्रयास करें जिससे कि हम अपनी सार्थकता को साबित कर सकें और एक विश्व परिवार के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। मैं पुनः एक बार आभारी हूँ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का, AICTE का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बड़ी सहजता के साथ में अपनी स्वीकृति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक उद्देश्य अर्थात आनंद पूर्वक जीना और इस हेतु निश्चित कार्यक्रम समन्वित प्रयास यानी समझना सीखना करना और दूसरों को भी इसमें यथासंभव सहयोग करना। साधुवाद अर्गल जी और भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। अब हम लोग उद्घाटन सत्र के लगभग अंतिम चरण में हैं। तो इसके पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आभार उक्ति के लिए इंद्रपाल जी को आमंत्रित करूं, मैं एक बार पूछना चाहूंगी कि कुछ और है ना इसमें बीच में कुछ जुड़ा है क्या कार्यक्रम में, अगर कोई और कुछ जोड़ना हो इसके पहले कि हम लोग एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़ें। कुछ और अगर शेष रह रहा हो तो कृपया मुझे ध्यान दिला दें। मेरे ख्याल से राजानंद संस्थान की तरफ से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन फिनिश कर सकते हैं आभार के साथ। जितेंद्र भैया आपकी तरफ से भी अगर कुछ ध्यान दिलाने लायक बच रहा हो तो प्लीज बताइए। नरूला भैया
ठीक है। राजुल भैया जी ठीक है, उपासना जी बहुत सुंदर जी। ठीक है, तो उद्घाटन सत्र की समाप्ति करते हुए अब मैं श्रीमान इंद्रपाल जी, निदेशक राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश को आमंत्रित करना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापन हेतु। श्रीमान इंद्रपाल जी, आपका हृदय से स्वागत है। प्रणाम सर। थैंक यू। उपस्थित सभी महानुभावों, विशेष रूप से हमारी माननीय सुश्री मंत्री उषा ठाकुर जी, यूएचवी टीम के प्रमुख श्री गणेश बागड़िया जी, राजू लस्थाना जी, उपासना जी, परीक्षित जी, आईसीटी के चेयरमैन श्री सहस बुद्धे जी, रजनीश जी जो फॉर्मर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, चारण जी, सोमानी जी, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद दिए जाने के मेरे पास कई कारण हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इसके पहले छोटा सा संक्षेप में राज आनंद संस्थान अभी क्या काम कर रहा है और इस कार्यक्रम की उपयोगिता हमको किस लिए है, इस बात को बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ। राज आनंद संस्थान अपने स्वयं सेवी आनंदकों के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के 52 जिलों में अपने कार्यक्रम संचालित कर रहा है और विशेष रूप से इस कोविड संक्रमण के कार्यकाल में हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में और ब्लॉक लेवल में इस अवसाद को दूर करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम करके बहुत सारे लोगों के साथ निरंतर संपर्क कर रहे हैं और इसमें हमारे जो सक्रिय आनंदक सहयोगी हैं, आनंदक हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं तहे दिल से उनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के सुदूर क्षेत्र तक हम जुड़ करके इस आनंद की परिभाषा को वहां तक पहुंचाने में सफल हो सके और इसके लिए मैं अखिलेश अग्रवाल साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्हीं के नेतृत्व में ऐसा किया जाना संभव हो सका। राज आनंद संस्थान 2016 है और राज आनंद संस्थान के ने बहुत अधिक इस बात पर विचार किया कि ऐसी क्या चीज होना चाहिए जिसको हम राज्य के नागरिकों तक ले जा सके। हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भी दो प्रमुख धारणाएं हैं और जब भी वो राज्य के नागरिकों से बात करते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि खुशी हमको न सफलता से मिलती है न संपन्नता से मिलती है, ये भाव है, ये एक अनुभूति है जिसके लिए आपको न किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, न किसी स्थान की आवश्यकता है, न किसी साधन की आवश्यकता है और इसीलिए हम बाहर चलने के बजाय अंदर चलने की बात करते हैं और राज आनंद संस्थान ने इस खूबी को जिया है अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा। इन चीजों को, इन व्यवस्थाओं को, इन बातों को फैलाने का प्रयास किया है और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश राज्य के राज आनंद संस्थान को कम से कम मध्य प्रदेश प्रांत में हर व्यक्ति इसकी कार्यशाली से भलीभांति परिचित है। हमको वर्तमान में 2-3 चीजों की आवश्यकता है कि हम निरंतर खुद को चेक करते रहें, हमें आगे हमारी क्या भूमिका हो सकती है, किन किन लोगों को हमको हमारे साथ लेकर के चलना है और इस भूमिकाओं के निर्धारण के लिए मुझे बहुत खुशी है AICT को, श्री चारण जी को, श्री रजनीश जी को और UHV की टीम मेंबर्स को धन्यवाद देते हुए कि हम इन सब बातों को आगे ले जाने में हमारी आप लोगों के साथ संपर्क करने से समझ विकसित होगी और जो धारणा कोरोना हारेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारा पर्याय है तथा जो वासुदेव कुटुंबकम की बात AICT चेयरमैन कर रहे हैं उन सब चीजों तक पहुंचने के लिए हमारा भरसक प्रयास रहेगा और इस दिशा में हमको आप सब लोगों से जो मार्गदर्शन मिला है हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उन सार्वभौमिक मूल्यों पर यद्यपि हम काम कर रहे हैं परंतु फिर भी जैसे हमारे CEO सर कह रहे हैं
कि हमारे जो प्रयास हैं वह भी समन्वित नहीं है, हमारे जो प्रयास हैं वह हम पूरी दिशा में पूर्ण रूप से पहुंचा पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमारी टीम भी छोटी है। और एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि ये काम भी थोड़ा सा कठिन है, ये व्यक्ति ये कोई ऐसा काम नहीं है जो हम आसानी से किसी भी व्यक्ति तक लेकर के चले जाए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था, ये ज्ञान केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जिन्होंने तप किया हो, जिसमें तप नहीं हो ये ज्ञान तक ले जाना व्यर्थ है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, हमें इसमें और कड़े परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, और इस कड़े परिश्रम के लिए UHV और AICTE का हमको मार्गदर्शन मिलेगा, हमको सहयोग प्राप्त होगा, हमका हमारी समझ विकसित होगी और हमारे उद्देश्यों को वृद्ध स्तर पर हम ले जा सकेंगे। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये हमारी पारदर्शी कार्यशाला सार्थक रहेगी और आपके द्वारा जो भी मानवीय मूल्यों को हमारी ओर दर्शित किया जाएगा उनके संप्रेषण में राजानंद संस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटेगा। सभी टीम को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रपाल सिंह जी, ये आभार मात्र एक औपचारिकता नहीं है वरन एक निष्ठा है, एक वादा है एक दूसरे के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर आनंद की इस यात्रा में आगे बढ़ने का। हृदय से धन्यवाद आपका इंद्रपाल जी।